महिलाओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भ्रष्टाचारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज हम लोग डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, जिनका रेप करके उनको जला दिया गया, आज हम लोग उनके श्रद्धांजलि सभा में आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। और खाली इस तरह की हत्या जो है सिर्फ प्रियंका रेड्डी के साथ ही नहीं हुई है, ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं महिलाओं के साथ। जिस पर फोकस होता है लोग उसे जानती है, ऐसे बहुत सारे बच्चियों को मार दिया जाता है। यूपी में भी लगातार घटनाएं हो रही हैं, 9 साल की बच्ची का रेप होता है, 9 दिन तक उसको भी रखा जाता है हॉस्पिटल में, वो भी आधी जली हुई रहती है, आज उसकी भी मौत हो जाती है। समझ में नहीं आता इतना लचीला कानून आखिर बनाया ही क्यों जाता है कि अपराधियों को जो है संरक्षण देते हैं ये लोग, लचीला कानून बना के। ऐसे अपराधियों को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जिस तरह से वो महिलाओं की हत्या करते हैं उसी तरह उनकी भी हत्याएं होनी चाहिए और भी चौराहे पर होनी चाहिए। मुझे और महिलाओं के तरफ से, सभी महिलाओं से हम लोग मिलकर आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हम लोग चाहते हैं कि प्रियंका रेड्डी के जो भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा, भ्रष्टाचारियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बहन हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। हैदराबाद में घटना हुई है, आज हम लोग सारे छात्र एकत्रित होकर सुभाष चौराहे पर उस घटना का विरोध कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल कर न्याय मांग रहे हैं। और हम लोग सरकार से यही निवेदन करेंगे, जल्द से जल्द जो भी अपराधी उनको सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और फांसी की। महिलाओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भ्रष्टाचारियों को फांसी दो, फांसी दो, भ्रष्टाचारियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बहन हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। हैदराबाद में घटना हुई है, आज हम लोग सारे छात्र एकत्रित होकर सुभाष चौराहे पर उस घटना का विरोध कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल कर न्याय मांग रहे हैं। और हम लोग सरकार से यही निवेदन करेंगे, जल्द से जल्द जो भी अपराधी उनको सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और फांसी की।